भीक मागून उदरनिर्वाह करीत असलेल्या सलीम खान नामक 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह नागपूरच्या तुळशीबाग मार्गावरील सीपी अँड बेरार कॉलेज समोर मिळाला। दुर्गंधी पसरल्याने घटना पुढे आली। या घटनेत तपास सुरू असून कोतवाली पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे। सोमवारी सायंकाळी 6 वाजताच्या सुमारास तुळशीबाग मार्गावरील सीपी अँड बेरार कॉलेजसमोरील बंद पडलेल्या MSCB कार्यालयाच्या खोलीत सलीम खानचा मृतदेह कुजलेल्या स्थितीत आढळला। दुर्गंधी पसरल्याने घटना समोर आली। नागरिकांनी पोलिसांना माहिती देताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाली। मृत सलीम खान हा फुटपाथवर राहायचा, तो भीक मागून उदरनिर्वाह करीत होता, अशी माहिती फिर्यादी हफीज खान यांनी कोतवाली पोलिसांना दिली। कोतवाली पोलिसांनी पंचनामा करून आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे। कल 13 नवंबर को शाम 7 बजे हमको खबर मिली थी कि सीपी एंड बेरार कॉलेज के सामने वाले कंपाउंड में एक लाश पड़ी है। तो हम लोग पुलिस स्टाफ के साथ वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक हमको बॉडी मिली थी, तो उसकी पहचान हमने करवा लिया। उसका नाम सलीम खान, उम्र 32 साल ऐसा है। रिलेटिव उनके मिल गए, तो आगे की उत्तरीय तपासने के लिए बॉडी को पंचनामा करके नए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहाँ पे घटनास्थल पे पूछताछ करने के बाद ऐसा हमको पता चला है कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता था। उसके दिमाग पे भी असर हुआ था। उसका जीवन एक भिखारी की तरह था। जहाँ पे खाना मिलता था वहीं पे वो खाना खाता था। ऐसा उसका जीवन मान शुरू था।